तो ये है दिल्ली डीएनडी वाला एरिया, आप देख सकते हैं रोड पे गाड़ियां चल रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 13th May 2021 और आज दिन है बृहस्पतिवार का। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा नाम है शिशिर और मैं डेली दिल्ली एनसीआर के वीडियोस बनाता हूँ, स्पेशली नोएडा के वीडियोस। और मेरे चैनल पे आपको 210 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो अगर आपको दिल्ली एनसीआर स्पेशली नोएडा के वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि आप देख सक रहे हैं, आज मैं दोबारा गाड़ी में हूँ। एक्चुअली कल का वीडियो अगर आपने देखा है, मैं कल कुछ मेडिसिन लेने के लिए निकला था जो मुझे नहीं मिले थे। तो आज मैं एक्चुअली दिल्ली गया था, मेरे एक जान पहचान के एक मेरे क्लाइंट है जिन्होंने मुझे कहा था उनके घर के सामने फार्मेसी है तो वहाँ पे वो मेडिसिन मिल जाएगा, लेकिन मुझे वहाँ पे भी नहीं मिला है। और मैं अभी वापस आ गया हूँ और अभी मैं फिलहाल सेक्टर 26 में जयपुरिया प्लाजा है वहाँ पर आया हुआ था और वहाँ पर मुझे मेडिसिन वो मिल गया है। और अभी मैं यहाँ से एक्चुअली घर वापस जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए जो लोग इस वक्त मेडिसिन लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद जब कोविड से गुजर रहा था तो मुझे मेडिसिन कोविड के मिलना बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत ही रेयर मिलते हैं और काफ़ी सारी जगह घूम घूम के मुझे मेडिसिन मिले थे। और स्पेशली एक मेडिसिन शशांक भैया मेरे लिए मोहाली से लाए थे। तो कोविड के मेडिसिन मिलना इस वक्त बहुत ज़्यादा टफ हो गया है तो मैंने सोचा कुछ स्टोर्स के वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि अगर आप मेरे जैसे सिचुएशन में फंस जाए तो नोएडा में कहाँ पे आपको अच्छे मेडिकल स्टोर्स मिल जाएंगे, इसकी एक छोटी सी एक आपके लिए वीडियो बनाने का मेरा आइडिया था। तो इस वजह से मैं आज जहाँ जहाँ मेडिसिन लेने के लिए गया था मैंने वहाँ के वीडियोस रिकॉर्ड किए। तो ये वीडियो आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि नोएडा में कहाँ पे आपको अच्छे मेडिकल स्टोर्स मिल जाएंगे, अच्छे इन द सेंस जहाँ पे आपको मेडिसिन मिल सकते हैं। तो ये वीडियो देखिए और मैं मिलता हूँ आपसे आगे। तो ये है अट्टा मार्केट और आपको देखकर यकीन नहीं होगा, यहाँ पे सारी दुकानें बंद है और यहाँ गाड़ी चलाना बहुत ही टफ रहता है नॉर्मल डेज में। और आप देख सकते हो सामने, देखिए पूरा रास्ता खाली है और ये सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। और ये अट्टा मार्केट, किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी दिन आएगा कि पूरा अट्टा मार्केट, ये जो जगह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है नॉर्मल डेज में और अभी आप देखिए पूरा खाली है। तो अभी जो आपको दिख रहा है सामने, ये विनायक हॉस्पिटल है सेक्टर 18 का और विनायक हॉस्पिटल का यहाँ पे फार्मेसी है जो 24/7 ऑपरेशनल है। ये जो अभी आपको सामने दिख रहा है, ये पेड़ की वजह से छुप रहा है, ये है फार्मेसी जो 24/7 ऑपरेशनल है। तो अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो, देखिए फार्मेसी 24/7। तो ये विनायक हॉस्पिटल का फार्मेसी है सेक्टर 18 और ये मैं अभी सेक्टर 26 आ गया हूँ। यहाँ पे आई केयर हॉस्पिटल के साथ ही अपोलो हॉस्पिटल है, ये जो आप देख रहे हैं ये अपोलो हॉस्पिटल है और इसके अंदर भी एक अपोलो का ही फार्मेसी है जो 24/7 ऑपरेशनल रहता है। तो अगर आपको मेडिसिन चाहिए, आप सेक्टर 26 के अगर आसपास रहते हैं या फिर अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये है जयपुरिया कॉम्प्लेक्स या फिर जयपुरिया प्लाजा, सेक्टर 26 में ही है ये और यहाँ पे काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर्स है। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब में टेस्ट अगर करवाना है तो वो भी मिल जाएगा, यहाँ पे अपोलो फार्मेसी भी है और उसके अलावा काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर्स हैं यहाँ पे। ये देखिए आप मदर फार्मेसी, तो काफ़ी बड़े बड़े फार्मेसी स्टोर्स हैं। मैं एक्चुअली पिछली बार जब यहाँ आया था मुझे एक मेडिसिन मिल नहीं रहा था बाकी जगह पे, लेकिन मुझे यहाँ मिल गया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे और देखेंगे तो यहाँ पे आपको दवाइयाँ ही दवाइयाँ काफ़ी सारे पोस्टर्स नज़र आएंगे। तो अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मपुत्र मार्केट, आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र मार्केट में कितनी हलचल रहती है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है, सारे शॉप्स क्लोज्ड है और यहाँ पे भी एक
केमिस्ट का शॉप है, आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है केमिस्ट और कॉस्मेटिक्स वाला। थोड़ा सा जूम करूंगा मैं, ये देखिए दवाइयां लिखी हुई है। तो आपको यहाँ पे मेडिसिन मिल जाएगा, जो लोग ब्रह्मपुत्र मार्केट के आसपास रहते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा सनराइज मेडिकोस। यहाँ पे भी मुझे काफ़ी सारे मेडिसिन मिल गए थे, तो ये काफ़ी अच्छा शॉप है। ये है ब्रह्मपुत्र मार्केट, और अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो आप यहाँ पे मेडिसिन के लिए आ सकते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं ये है सेक्टर 46 का मार्केट, मैंने इसका भी एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखें और इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पे। सारे शॉप्स जो है वो बंद है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली दो फार्मेसीज हैं, एक है गार्डियन फार्मेसी, आप देख सकते हैं सामने गार्डियन फार्मेसी। मैंने यहाँ से ऑक्सीमीटर लिया था, ऑक्सीमीटर पूरे नोएडा में नहीं मिल रहा था लेकिन मुझे यहाँ मिल गया था। और यहाँ पे एक छोटा सा क्लिनिक है टिटोरिया केमिस्ट, यहाँ पे मुझे एक मेडिसिन मिला था। तो अलग अलग मेडिसिन मैंने अलग अलग जगह से लिया था, और इसके साथ ही एक अपोलो फार्मेसी भी है, हालांकि यहाँ से मेरे को कोई मेडिसिन कभी मिला नहीं। मैं जब भी आता हूँ तो मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो ये तीन शॉप्स हैं सेक्टर 46 के मार्केट में, केमिस्ट शॉप्स जहाँ पे आप आ सकते हैं। और जो लोग सेक्टर 45 में रहते हैं, अगर आप 45, 99, 100 इस आसपास वाले एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे आपको अपोलो फार्मेसी और ये आरोग्य के नाम से यहाँ पे एक फार्मेसी शॉप है जो कि सेक्टर 45 में आम्रपाली सफायर के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे भी काफ़ी सारे मेडिसिन मिल जाते हैं, और नीचे एक और केमिस्ट शॉप है। तो यहाँ पे टोटल तीन केमिस्ट शॉप है, ये है आम्रपाली सफायर सेक्टर 45 नोएडा। तो फ्रेंड्स ये तो था एक छोटा सा वीडियो नोएडा के कुछ मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जहाँ पे आपको ज़्यादातर मेडिसिन मिल जाएंगी, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, लेकिन ये वो मेडिकल स्टोर्स है जहाँ से मैंने पर्सनली मेडिसिन लिए थे जब मेरे को कोविड हो गया था। तो आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए। और वैसे अभी जो वक्त चल रहा है, इस वक्त छोटे छोटे जो मेडिसिन है जो इम्यूनिटी रिलेटेड है वो भी काफ़ी टफ है मिलना, लेकिन इन स्टोर्स पर अगर आप जाएंगे तो बेसिकली आपको मेडिसिन मिल जाएंगे। और आज के वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पर फिनिश करते हैं। मैं आपने जैसा देखा दिल्ली गया, दिल्ली में ट्रैफिक एकदम नॉर्मल है और लोग आना जाना कर रहे हैं, लेकिन नोएडा में अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें तो रिलेटिवली जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कम है और रास्ते खाली है। तो फ्रेंड्स घर पे रहिए, सेफ रहिए। आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली NCR के वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, स्पेशली नोएडा के वीडियोज़। मुझे 22nd अप्रैल को कोविड हो गया था, उससे पहले अगर आप देखें तो मैंने डेली वीडियोस पोस्ट किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 210 से भी ज़्यादा वीडियोस मैं पोस्ट कर चुका था, और अभी 2-3 दिन हुए मैं दोबारा से वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको पता है अभी कोविड है तो रेस्ट्रिक्शंस तो है ही। तो मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। और अभी जो आप देख रहे हैं ये है मूलचंद फ्लाईओवर, और यहाँ पे भी पूरी तरह से रोड पे गाड़ियाँ चल रही है।